आज मैं एक विशेष बात बताने वाली हूँ जो विचारों के अंतर्गत ही आती है। जो महिला प्रेग्नेंट है उसके विचारों के अंतर्गत कैसे आती है वो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमारा जो टाइम शेड्यूल है या खाने पीने का सिस्टम है उसमें पहले पति को खाना चाहिए, सास ससुर को खाना चाहिए। अब प्रेग्नेंट वूमन है, उसको भूख लगी है तो वो सोचती है कि उनका टाइम तब होगा और वो इतनी भूख से व्याकुल हो जाती है कि वो कुछ ना कुछ चोरी करके खा लेती है। और जब उसके सास ससुर पूछते हैं भाई बेटा आपने कुछ खाया, तो कहती है नहीं नहीं अभी कुछ नहीं खाया। इसका मतलब है उसने झूठ भी बोला और चोरी भी की, लेकिन उसने चोरी जानबूझकर नहीं की, वो परेशान थी, वो उसको भूख लगी थी जो कि उसकी स्वाभाविकता है। तो इस ये जो बात मैं बताने वाली हूँ ये इतनी गहन बात है कि इसके ऊपर किसी का विचार कभी गया नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम इस प्रकार के आचरण नहीं करके बिल्कुल उसको सहजता प्रदान करें जो गर्भवती महिला है उसको, और उसके खान पान में प्यार भरा माहौल रखें, उसको कोई रोक टोक नहीं हो, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम एक जो गर्भवती महिला है उसका बच्चा सुसंस्कारवान होगा, कोई उसमें आचरण रूप में कहीं कोई कलंक या कलुषित करने वाला संस्कार उसके अंदर नहीं जाएगा। ये विचार परंपरा से ही ऐसा संभव होगा।